नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत कर हम पढ़ रहे हैं बापू की कुटिया। बहुत ही अच्छा पाठ है। हम पढ़ते थे किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। लेखक यहाँ थे, हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ से मोड़ आया, बहुत अच्छा मोड़ होगा। पढ़ते हैं कैसा मोड़ है। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लेकिन कहते हैं आदमी का कभी कभी दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। कैसे? लगता है देर आए दुरुस्त आए। हिंदी में कहावत है, भले देर आए दूर लेट आए, हमारी अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं हम, लेट आए दुरुस्त आए। हाँ, आए सही, चलो आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आए सही, इस तरह से कोई बात नहीं। दुर्भाग्य नहीं तो सौभाग्य, किस तरह से सौभाग्य, कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों आता, लेखक कहते हैं बापू को कि बापू यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था, प्रश्न करते हैं बापू को। हालांकि बापू नहीं है, फिर भी बापू कहते हैं बापू अगर यदि मैं उस दिनों को आता तो इतना आपके बिस्तर के अभी जितना निकट बैठा हूँ, इतनी देर के लिए बैठा हूँ, इस स्थान को पा सकता था उसे शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पैताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। कहते हैं अगर उन दिनों आपसे मिलता तो मैं अपनी लेखनी को धन्य नहीं कर सकता था। आज मैं आपके कमरे में आया हूँ, आपकी कुटिया में आया हूँ और कुटिया में आके बैठ के आपके बारे में लिख रहा हूँ। मैं अपनी लेखनी को धन्य कर रहा हूँ। ऐसी बात करते हैं, तुम्हारा ये बिस्तरा, खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढक कर बनाया गया एक श्वेत शुभ्र बिस्तरा। बापू का बिस्तरा कैसा है तो ये पूरी लाइन है, एक बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा है, गद्दा डालकर उस गद्दे के ऊपर खादी से ढक कर एक शुभ्र बिस्तरा। बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए पार गए। क्या बात कही है। कहते हैं बापू आप अभी अभी तुम अभी अभी यहाँ से गए हो ऐसा प्रतीत होता है मुझे, और अभी अभी इस हृदयकारी मुस्कान से साथ पधारोगे भी। बोलते हैं और अभी अभी आप आओगे पधारोगे। मुस्कान बापू की कैसी है? हृदयकारी। बहुत सारे लोग तो झूठ की हंसी मुस्कान मुस्कान झूठे मुस्कान लेके फिरते हैं, लेकिन बापू की मुस्कान कैसी है? बापू की मुस्कान हृदयकारी है, शुभ्र है। तुम्हारा ये बिस्तरा, तुम्हारी ये तकिया, तुम्हारी ये तुलसी की माला, तुम्हारा ये प्यारा चरखा, सबके सब यही तो कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। क्या तुम अभी गए हो, अभी आओगे? सब जगह से आवाज़ आ रही है कि बापू अभी तुम गए हो, अभी वापस आओगे। आगे कहते हैं किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो घड़ी है और खटाऊ की जोड़ी है, दाहिने द्वार पे क्या है, एक घड़ी है, खटाऊ की जोड़ी है, ये कहती है अरे तुम किस भ्रम में हो। लेखक कहते हैं बिस्तर जो सारी चीज़ें हैं वो बोल रही हैं कि बापू यहीं थे, यहीं हैं, हृदयकारी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, लेकिन जो दाहिने द्वार पे जो घड़ी है, जो खटाऊ की जोड़ी है, वो कहती है अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकले थे? ऐसा प्रश्न वहाँ से कराते हैं लेखक। वो घड़ी बोलती है, हालांकि घड़ी बोलती नहीं है, ये लेखक के भाव है। वो बोलते हैं बापू कभी हमको छोड़कर बाहर गए? वो बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो बापू यही हैं, कहाँ हैं बताओ? और बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तर को पूछते हैं, ओ बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीन बंदरों ने इशारे से कह रहे हैं, क्या आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और अपने आप को आत्मस्थ करो। हाँ, ध्यान लगाओ, याद करो, फिर देखो बापू यही है। बंदर क्या कहते हैं? बंदर ये कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, अपनी जबान बंद करो, अपने कान बंद करो और फिर सोचो बापू के बारे में, बापू यही है और सचमुच पा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं मैंने ये किया और सचमुच पा रहा हूँ, बापू तुम कहीं गए ही नहीं, यहीं हो इसी बिस्तर पर, उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। बापू है नहीं फिर भी
हर जगह से उनको बापू लिखते हैं। आगे देखिए, वो अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यरवाड़ा चक्र को घुमा रहे हैं, हम जिसे रेडिया कहते हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कमलदान से कलम निकालकर कुछ लिखा, और जब जरा हट जाइए थके मांदे बापू हाथ में तुलसी के माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच गेर से लिखे शब्द हैं ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे। बापू है नहीं, लेकिन वो कल्पना कर रहे हैं, और उस ओम के ऊपर क्या है, हे राम। देखिए क्या दृश्य क्या है, दृश्य यह है कि पहले बता रहे हैं लेखक कि बापू हैं, बापू क्या कर रहे हैं, अपने बिस्तर पे बैठे और यरवाड़ा को घुमा रहे हैं, चक्र को घुमा के थक गए हैं बापू, कमलदाना निकालते हैं, कमलदाना में से कमल निकालते हैं, कलम निकाल कर उसे लिखते हैं। अब लिख के बापू थक गए तो बापू आराम करते हैं, ऐसा बताते हैं लेखक। तुलसी की माला लेते हैं, तुलसी की माला लेते फेरते फिर हम माला करते हैं ना, माला करते करते सामने की दीवार में मिट्टी के जो दो नारियल के वृक्ष हैं उनकी गेर से लिखा है शब्द, और शब्द क्या है, ओम। उस ओम को देख रहे हैं और ओम के ऊपर शब्द लिखा है हे राम, हे राम शब्द। आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। लेकिन कह रहे हैं मैं कितनी जोरदार कल्पना कर रहा था, बापू ये कर रहे हैं, बापू ये कर रहे हैं, ये देख रहा था, और इसके बीच ये शब्द आया हे राम, और ये शब्द मुझे कहाँ लेके गया, एक कठोर चट्टान की ओर लेके गया। शब्द में कोई गलती नहीं है, क्योंकि हे राम शब्द इन शब्दों ने कहा नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। बापू के मुँह से अंतिम सांस जो बापू की थी, उस टाइम बापू के मुँह से जो चीज़ निकली थी, जो शब्द निकले थे, वो अंतिम शब्द क्या थे, हे राम। हाँ, इन शब्दों ने कहा नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वो हमसे कब के छिन गए। उस दिन जब गोलियों की तीन भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से सुना हे राम। तुलसीकृत रामायण की उन्होंने पंक्तियां टाकी हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही वत आवत नाई। ये बाली राम को कहते हैं, ऋषि मुनि अपने जन्म जन्म की तपस्या करते हैं लेकिन मुख से एक शब्द नहीं निकलता, वो है हे राम। हाँ, अंत राम का आवत नहीं, और बापू के मुंह से निकला राम। यानी कि उस दिन संसार ने पाया कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उनमें नई ज्योति एक नई कड़ी जुड़ गई है। कौन है, बापू एक ऋषि है, ये लेखक कहते हैं। हमारी यह मान्यता है कि आदमी मरता है तब, जब अंतिम सांस लेता है और उसका देहांत होता है, तब उसके मुंह से अगर राम निकले तो वो पवित्र आत्मा माना जाता है। हाँ, तो बापू के मुख से हे राम निकला, काश ये ज्ञान उस अज्ञानी को होता। अज्ञानी कौन, नथुराम गौड़से, जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में, वो सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उड़ बीज अड़ंग बिडंज है, यानी कि बीज हैं, अंड हैं, पृथ्वी में चांद सितारे हैं, सॉरी आकाश में चांद सितारे हैं, पृथ्वी में जब तक बीज हैं, अंड हैं, तब तक बापू का नाम अमर है, बापू को दुनिया भूलेगी नहीं। अब आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे, आगे कवि की लेखक की क्या बापू के बारे में ख्याल आते हैं, बहुत ही अच्छा पाठ है, क्या क्या उन्होंने भाव प्रकट किए हैं बापू की ओर। और आजकल के हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ भी जो जवान हैं, वो क्या सोचते हैं, तो पूरा पढ़िए, पूरा ध्यान दीजिए, पूरा रिसर्च करिए, फिर हमारे राष्ट्रपिता के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते जाइए। हाँ बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका हमें लिहाज करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।